तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो डिस्कशन हमारी है वो है एचआरए की कैलकुलेशन। चैप्टर का नाम है सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरीज, और जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो है एचआरए को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको एचआरए का प्रोविजन बताता हूं कि इसके प्रोविजन कहते क्या है, एचआरए के प्रोविजन है क्या। पहली बात तो एचआरए एक अलायंस है, हाउस रेंट अलायंस। इसका मतलब यहां पर एम्प्लॉई ने एक मकान किराए पर लिया होगा जिसका वादा एम्प्लॉयर करता होगा कि ठीक है एम्प्लॉई तू ऐसा कर, कहीं पर मकान ले ले, उसका किराया पे कर दे, मैं तेरे को उसका अमाउंट कैश में रीइंबर्स कर दूंगा। हाँ कि ना, अलाउंसेस होते ही क्या है, कैश बेनिफिट्स। इसका मतलब यहां पर एम्प्लॉई रेंट दे तो देगा लेकिन एम्प्लॉयर उसे उस अलाउंस को कैश में क्या कर देगा, एम्प्लॉई को वापस कर देगा। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट है किसके लिए, एम्प्लॉई के लिए, और क्योंकि बेनिफिट इन कैश है इसलिए अलाउंस है। ये बात तो ठीक है, अलाउंसेस होते ही कौन से बेनिफिट्स है, कैश बेनिफिट्स, जो कि एम्प्लॉयर किसको देता है, अपने एम्प्लॉयज को। तो यहां पर हाउस रेंट के नाम से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को क्या दे रहा होगा, अलाउंस दे रहा है, कैश बेनिफिट दे रहा है, वो मकान जो कि एम्प्लॉई ने खुद किराए पर लिया है, जिसका किराया आज तो एम्प्लॉय दे रहा है लेकिन एम्प्लॉय जानता है कल को उसे उसका पैसा एम्प्लॉयर से रिकवर हो जाएगा। ये बात तो ठीक है, ये तो बेसिक मतलब हुआ। प्रोविजंस क्या कहते हैं जरा देखते हैं, एचआरए के प्रोविजंस है, लिखा हुआ है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। इसका मतलब जो बातें मैं अभी आपको बताने लगा हूं, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री, उनमें से जो सबसे कम होगा, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, मतलब उतना हिस्सा माफ हो जाएगा। हाँ कि ना, ये बात ठीक है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट का मतलब इन तीनों में से जो सबसे लोअर अमाउंट आएगा उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस अमाउंट में से जो हमें मिला होगा। ये बात ठीक है। अभी देखो जरा, सबसे पहली बात क्या है, एक्चुअल एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एम्प्लॉय को जो भी एचआरए एक्चुअल में मिला किससे, एम्प्लॉयर से। दूसरी बात, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी क्या होती है वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। और लास्ट प्रोविजन है थर्ड, थर्ड में ये बात है, अगर अगर एम्प्लॉय जिस मकान में रह रहा है वो मेट्रो सिटी में है, ठीक है ना, इफ एम्प्लॉय इज रिजाइडिंग, अगर एम्प्लॉय रह रहा है कहां पर, इन अ मेट्रो सिटी, इन अ मेट्रो सिटी मतलब कौन सी होगी, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई, अगर इनमें रहता है तो 50% ऑफ सैलरी कितना लेंगे, 50% ऑफ उसकी सैलरी का कितना परसेंट, 50%। लेकिन अगर वो रहता है नॉन मेट्रो सिटी में, नॉन मेट्रो सिटी में रहता है तो कितना लेंगे, 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। ये बात ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एचआरए के तीन प्रोविजंस, नंबर वन एक्चुअल जो एचआरए मिल रहा होगा वो, नंबर टू रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यहां पर सैलरी का क्या मतलब होगा अभी बता रहा हूं, और तीसरी बात है अगर वो मेट्रो सिटी में रहता है तो 50% ऑफ सैलरी, और नॉन मेट्रो में रहता है तो 40% ऑफ सैलरी। ये बात ठीक है। चलो ये तो प्रोविजंस हो गए, सामने एक क्वेश्चन लिखे है, उस क्वेश्चन को अगर हम कर लें तो हमें एचआरए की कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है, आओ जरा मेरे साथ साथ। और उससे पहले, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सैलरी का मतलब क्या है, यहां पर एचआरए की कैलकुलेशन करते समय सैलरी में क्या क्या बातें आएंगी। तो सैलरी में जो बातें आएंगी वो आएगी पहली तो बेसिक सैलरी, प्लस डीए, डीए कौन सा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला, हाँ कि ना, बेसिक सैलरी प्लस डीए, और डीए सिर्फ और सिर्फ कौन सा, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है तभी इंक्लूड होगा, नहीं तो इंक्लूड नहीं होगा एचआरए की कैलकुलेशन के लिए। प्लस कमीशन, कमीशन कौन सी, परसेंटेज ऑन टर्नओवर, परसेंटेज ऑन टर्नओवर, या हम क्या कह सकते हैं, सेल्स। इसका मतलब अगर कमीशन किसी और चीज पर दी जा रही है, किसी और नाम से दी जा रही है, तो वो एचआरए की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगी। एचआरए की कैलकुलेशन के लिए सैलरी में कौन कौन सी बातें आएंगी, फटाफट से रिपीट कर लेते हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीए कौन सा, फॉर्मिंग पार्ट वाला, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला, और कमीशन लेंगे सिर्फ और सिर्फ तब अगर वो दियो परसेंटेज ऑन टर्नओवर या परसेंटेज ऑन सेल्स, उसके अलावा कमीशन किसी भी नाम से दे एचआरए की कैलकुलेशन में उसे इस्तेमाल नहीं करना। ये बात ठीक है। तो आओ जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसको आप जरूर देखें एक बारी। अब आप क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले
वहां पर सबसे पहले अगर हमें क्या आ गया एचआरए की कैलकुलेशन करने के लिए आ गया तो सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए। अब जरा देखो एचआरए की कैलकुलेशन के लिए हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है जिसमें बेसिक सैलरी गिवन है, कितनी बेसिक सैलरी है 50,000 पर मंथ, मतलब साल का कितना 6 लाख, बिल्कुल। डीए भी दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है 10% ऑफ, हाँ सॉरी डीए दे रखे 10,000 पर मंथ, भाई 10,000 दे रखे हैं लेकिन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सिर्फ कितना है 40%, इसका मतलब डीए जो हम लेंगे वो क्या पूरा 100%, क्या पूरा 10,000 लेंगे कि सिर्फ 40%, तो आंसर इज सर ओनली 40%, क्योंकि एचआरए की कैलकुलेशन करते समय सैलरी में जो डीए लिया जाता है वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट लिया जाता है, इसका मतलब 10,000 पूरा नहीं, 10,000 का सिर्फ कितना परसेंट 40% इनटू पूरे साल के लिए इनटू 12, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा ये 48,000। हाँ कि ना, बड़े ध्यान से देखना, पूरा 10,000 नहीं लेना, क्यों नहीं लेना 10,000 सर, क्योंकि पूरा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं है, सिर्फ कितना है 40%, इसीलिए 10,000 के अमाउंट का हमने सिर्फ अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है 40% वो ही लिया है, इंटू 12 कर लिया क्योंकि हमें जो डेटा दे रखा है वो तो पर मंथ दे रखा है, लेकिन एनुअल सैलरी बनाने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसे करते हो कोई कमीशन का डेटा तो गिवन नहीं है, अब कमीशन गिवन नहीं है इसका मतलब यही सैलरी होगी कितने रुपीज की 6,48,000, ये अमाउंट ऑफ सैलरी है फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए। हाँ कि ना, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, आप ये प्रोविजन एक बार उतार लें ढंग से, तो हम लोगों की सैलरी कैलकुलेट हो गई है, सैलरी के बाद अब बात आती है प्रोविजंस लगाने पर। प्रोविजन सबसे पहला क्या कहता है, नंबर वन प्रोविजन क्या था, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हो रहा है क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल सर एचआरए रिसीव्ड ₹20,000 पर मंथ, दैट इज कितना 20,000 पर मंथ, इसका मतलब साल का एचआरए कितना में रिसीव हो रहा है, एम्प्लॉयर हमें कितने का बेनिफिट दे रहा है 2,40,000 का। सेकंड प्रोविजन क्या था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और रेंट पेड है 20,000 पर मंथ, मतलब जो रेंट पेड हो गया वो साल का कितना हो गया 20,000 पर मंथ है, तो साल का कितना 2,40,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी सर, सैलरी एरी 6,48,000, इसका 10%, तो मतलब 6,48,000 का 10%। हाँ कि ना, आया प्रोविजन नंबर टू, यही लिखा था ना हमने, रेंट पेड माइनस क्या लिखा था, मैं लिख देता हूं क्या लिखा था हमने, रेंट पेड जो कि 20,000 पर मंथ साल का बनाने के लिए 2,40,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, और हम लोगों ने सैलरी कैलकुलेट कर ली है एचआरए के लिए कितनी करी है 6,48,000, तो ये रहा 10% ऑफ सैलरी, ठीक है जी, तो ये अमाउंट आएगा कितना 2,40,000 माइनस 10% ऑफ 6,48,000, दैट इज 64,800, तो जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है कितना 1,75,200, ठीक है जी। और लास्ट प्रोविजन था, अगर वो मेट्रो सिटी में रहता है तो क्या 50% ऑफ सैलरी, और अगर नॉन मेट्रो में रहता है तो 40%। हम मान लेते हैं ये कहां रहते हैं भाई साहब, ये रहते हैं दिल्ली में, तो मेट्रो सिटी होगी कि नहीं होगी, तो क्या लेंगे थर्ड प्रोविजन 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, और सैलरी कितनी है अपन 50% ऑफ सैलरी कितना हो गया ऑफ सैलरी 6,48,000 सैलरी, इसका 50% करेंगे तो आएगा 3,24,000। हाँ कि ना, बिल्कुल। तो पहले प्रोविजन से एचआरए रिसीव्ड जितना मिला था वो कैलकुलेट करा, आया 2,40,000। उसके बाद सेकंड प्रोविजन था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो कि निकल के आया 1,75,200, और थर्ड अमाउंट है 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटी। अब ये भैया दिल्ली में रहते हैं तो मेट्रो सिटी है, इसलिए 50% ऑफ सैलरी दैट विल कम टू ₹3,24,000। अब इनमें से जो हमने प्रोविजन सीखा था, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट, इनमें से जो सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा, तो इन तीनों में से सबसे कम क्या है 1,75,200 सबसे कम है और वो माफ होने वाला है, तो सर टैक्सेबल कितना होगा, मैंने बोला यहां देखो टैक्सेबल कैसे निकलेगा, हम यहां पर कहेंगे एक्चुअल एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना, और एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड
सर ये रहा 20,000 पर मंथ मिल रहा था, तो साल का मिल रहा था कितना एचआरए में 2,40,000 लेस, जितना माफ हो गया, कितना माफ हो गया भाई, एग्जाम हमने निकाले तीनों में से सबसे कम क्या था 240 सबसे कम था 1,75,200 या 3,24,000 सबसे कम था सर 1,75,200 तो 1,75,200 सबसे कम है इसलिए एग्जाम हो जाएगा। तो बाकी बचा हुआ क्या आ जाएगा टैक्सेबल एचआरए, इसका मतलब ये वो अमाउंट होगा जो हमारी ग्रॉस सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा। तो टैक्सेबल एचआरए हमारे लिए कितना हुआ, ये होगा 64,800 ये वो अमाउंट है जो कि हमारी ग्रॉस सैलरी के अंदर आने वाला है, मतलब एचआरए जो हमारे लिए टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना होगा 64,800। लेकिन एक बात आप बड़े ध्यान से सुने, अगर कोई एम्प्लॉई ऐसा है जिसको कोई रेंट देना ही नहीं पड़ता, या कह लो वो खुद के मकान में रह रहा है लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर से उसे एचआरए मिलता है, उस केस के अंदर हमेशा याद रखना पूरा का पूरा एचआरए उसके लिए इनकम है और पूरा का पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा, उस केस में उसे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर कोई एम्प्लॉई जो रेंट पे ही नहीं करता, जहां पर भी वो रहता है वहां पर रेंट पे करता ही नहीं है, या कह लो सर वो अपने खुद के मकान में रहता है, इसका मतलब उसे रेंट पे करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर की तरफ से उसे क्या मिल रहा है एचआरए मिल रहा है, उस केस के अंदर पूरा का पूरा एचआरए उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट होगा, उसे किसी भी नाम से कोई भी एग्जम्पशन मिलने वाली नहीं है। ये बात तो ठीक है। और एचआरए में सैलरी में क्या क्या बातें थी एक बार याद कर लेते हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए, कौन सा फॉर्मिंग पार्ट सैलरी वाला, वेरी गुड, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला, और सर कमीशन लेंगे सिर्फ और सिर्फ तब अगर दे रखी हो परसेंटेज ऑन सेल्स पर या परसेंटेज ऑन टर्नओवर के ऊपर, नहीं तो नहीं लेने वाले कमीशन, हाँ कि ना। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड, ठीक है ना, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, सेकंड था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड था मेट्रो सिटीज के लिए 50% ऑफ सैलरी और नॉन मेट्रो सिटीज के लिए 40% ऑफ सैलरी, राइट स्टूडेंट्स। तो ठीक है, बड़े ध्यान से करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एचआरए से रिलेटेड कैलकुलेशन तो एग्जाम में आती ही आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए बहुत बढ़िया, इसे अच्छे से उतारें।